अच्छा एक बात बताइए, डिस्को किया है आपने? मन ही मन डिस्को किया है? किया है ना? तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार, और आपको पता है कि चाट भी डिस्को कर सकती है। आज बनाते हैं डिस्को आलू चाट, और नाम डिस्को आलू चाट क्यों पड़ा वो भी बताएंगे। ऐसे खाली पीली नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रोग्राम खत्म करेंगे और चाट एकदम क्रिप्सी करा रही मजे की है। म्यूजिक के बाद तो जी, डिस्को आलू चाट बनाने के लिए आपको चाहिए डिस्को, नहीं सॉरी, आलू हैं। ये वो रात की आखिरी रेसिपी है जब रणवीर बरार का दिमाग ठिकाने नहीं होता, पहले ही बताए दे रहे हैं। आलू जो है उबाल लिए गए हैं। आमतौर में आपको कहता हूँ कि भैया चाट बनानी है तो पहाड़ी आलू लीजिए। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, सारे आलू डिस्को कर सकते हैं। और बाकी इसमें शकरकंदी डाल रहा हूँ मैं बॉयल करी हुई। आप भून भी सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं शकरकंदी को। बेसिकली आप अगर चार आलू ले रहे हैं तो उसमें एक मीडियम साइज़ की शकरकंदी ले लीजिए। शकरकंदी जो है वैसे भी ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी चाहिए, उसमें रेशे होते हैं है ना, फिर वो रेशे मुंह में आते हैं। इसलिए शकरकंदी कभी भी बाज़ार से लें तो ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम साइज़ की लें या छोटी लें। मेहनत पड़ेगी छीलने में लेकिन मुँह में रेशे नहीं आएंगे। यही देखिए, ऐसे देखिए ना रेशे। अब जी शकरकंदी को भी ग्रेट कर लें और आलू को भी ग्रेट कर लें, बाकायदा ग्रेट कर लें, बाकायदा। आलू ग्रेट हो गया, अब क्या करना है, मिर्च अदरक चॉप करनी है। अभी डिस्को पोटैटो के लिए पोटैटो तैयार करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अदरक हरी मिर्च धनिया, ये ताज़े इंग्रेडिएंट्स चाट में जाने ही जाने, आप ये समझ लीजिए उसके बगैर कोई जायका नहीं आएगा। आप बनाने जाएंगे आलू चाट, बन जाएंगे पोटैटो नगेट्स, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था कि चाट बनानी है तो ये तीन चीज़ें नहीं भूल सकते, क्या, मिर्च अदरक धनिया। अब इसको डाल दो आलू में। वैसे भी रेशियो के हिसाब से आप 4:1 का 5:1 ही कर दीजिए। 5 मीडियम आलू और 1 मीडियम शकरकंदी। मिक्सचर अभी ठीक सा हो गया। अभी लेना है जी एक पैन, ठीक है, पैन के अंदर डालना है थोड़ा घी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तेल, ज़्यादा नहीं। मसाले में लेना है जीरा, सौंफ, थोड़ी सी अजवाइन, हींग और लाल मिर्च। लोग बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ कि भैया एक काम करो, जितना थिक बॉटम पैन है उसमें खाना बनाओ, लेकिन सबर ख़त्म हो जाता है। थिक बॉटम पैन को गर्म होने में लगता है वक्त, और हमारी है आते ख़राब वो पतले पतले पैन यूज़ करके। फिर हम बोलते हैं यार जल्दी जल्दी बस हो जा बस, ऐसे हो गए हम, समय और वक्त दोनों कम हो गया हमारे पास, मतलब समय और सब्र दोनों कम हो गया हमारे पास। पहले घी में डाली जीरा और सौंफ, बीच में घूमते फिरते एक आधा पीस कलौंजी आ गया, कोई बात नहीं, कलौंजी को कौन रोक पाया आज तक। हल्की सी अजवाइन, अपना आलू का मिक्सचर तुरंत, अजवाइन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, अजवाइन की तासीर वैसे ही बहुत गर्म होती है। थोड़ी सी हींग साइड में, क्यों, क्योंकि मैं पहले डालनी भूल गया, और मिर्च तो थोड़ी ऊपर से ही डालनी है बस। मिक्सचर की भुनाई बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि मिक्सचर जो है बंधेगा और पानी सूखेगा इसका, तो मिक्सचर को ऐसे भून लेना है। घी ज़्यादा नहीं डालना वरना मिक्सचर के फटने के चांसेस हो जाएंगे। कलर देखिए क्या फर्स्ट क्लास, हल्का हल्का लाल, हल्का हल्का हरा, कमाल का टेक्सचर। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई, ये वाला पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भूनेगा नहीं तो फिर आलू का पानी नहीं सूखेगा। और इसको भून कर ही ऐसे नीचे लगेगा ना थोड़ा थोड़ा आलू, तो ही उसमें टेस्ट आएगा, इसलिए भाई और बहनों भुनाई चालू रहनी चाहिए। हरी मिर्च की जो किक आ रही है ना, किक बेसिकली क्या है, जब आलू लगेगा साइड छोड़ रहा है तब आलू हो गए। कढ़ाई में भी भून सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा फैंसी पैन नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे रणवीर, कढ़ाई में भी भून सकते हैं आप। थोड़ा पानी सूख गया, अब इसके अंदर खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर, नींबू नहीं डालना, थोड़ा सा अमचूर। खटास क्यों ज़रूरी है, एक तो शकरकंदी की मिठास को बैलेंस करने के लिए, दूसरा भैया चाट है, चाट में खट्टा मीठा तीखा चटपटा नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। फैला क्यों रहा हूँ, ताकि पानी जो है उसको एस्केप होने का मौका मिले, भाप बन के उड़ने का मौका मिले पानी को, इसलिए फैला रहा हूँ।
तो ये तो हो गया रेसिपी का हिस्सा नंबर एक, आलू का मिक्सचर, जिसकी हिंदुस्तानियत हमने ख़त्म नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि मसाले डाले, मिर्ची डाली, धनिया डाला, अदरक डाला और इसको फैला दिया। फैलाने से क्या हुआ, जल्दी ठंडा होगा। ये देखिए साइड छोड़ रहा है ना, जितना पानी जो हम निकाल रहे हैं ना भाप बना के, वही पानी इसका दुश्मन हो जाता है जब आप फ्राई करते। तो जितना पानी निकाल देंगे उतने सूखी रहेंगे। इसको ना एक काम करिए, एसी में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, हैं तब तक वो बना लेते हैं मसाला। सिग्नेचर चाट मसाले के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट हैं, एक भाग सौंफ, एक से डेढ़ भाग जीरा, एक भाग साबुत धनिया, आधा भाग काली मिर्च और बड़ी इलायची के दाने, और भुनाई में मदद करने के लिए थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने एक भाग और डेढ़ भाग जीरा लिया है, आप एक भाग दो भाग कर सकते हैं अगर आपको जीरा ज़्यादा पसंद है। और इसको पिसने के बाद इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्च मिलाऊंगा मैं। अभी मिलाने का फ़ायदा नहीं है, देगी मिर्च ऑलरेडी पिसी हुई है। ये मसाला पीसना है, उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च मिला लेनी है, बस। देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, आप जो भी बोलते हैं उसको, वट एवर यू कॉल इट इज़ राइट, क्योंकि देगी मिर्च जो है वो किसी मिर्च की वैरायटी नहीं है, ठीक है जी। देग जो बर्तन होता है उसमें पड़ने वाली मिर्च देगी मिर्च, और जो कश्मीरी मिर्च है कर्नाटक में पैदा होती है, तो देगी मिर्च भी मिर्च की वैरायटी नहीं है, और जो आप कश्मीरी मिर्च बोल के खरीदते हैं वो भी कश्मीर की मिर्च की वैरायटी नहीं है। हेलो जी, हो गई मसाले की भी तैयारी, अभी डाल देते हैं मिर्च। ये जी बेड़गी मिर्च, रंग वाली मिर्च, ये अमचूर खटास के लिए, ये हींग, और ये किसी को बताना नहीं, थोड़ी सी शक्कर, क्यों, अमचूर की खटास को बैलेंस करने के लिए। ये लीजिए, ऐसे पीस लीजिए। ये ना एक लेजाम बना के रख लीजिए, मैदा, पानी और मिर्च, ठीक है जी। चलो जी, ये लेजाम रेडी हो गया, आलू का मिक्सचर दे दीजिए। ये हो गया जी आलू का मिक्सचर, देख लीजिए फर्स्ट क्लास एकदम, ऐसे ही गोला बन रहा है, देखिए बन रहा है ना, लग रहा है ना कि फटेगा नहीं है। ये देखिए कैसे एकदम डांसिंग डांसिंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने भून लिया इसको। अभी वो मसाला दे दिए, ये भी देख लिया ध्यान से, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये दरड़ा दरड़ा रखना है इसको, हाँ, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस। बेसिकली मैंने क्या किया ना, मैंने लिया तिल और पोहे का चूरा, अगर आप पोहे का चूरा नहीं लेना चाहते मुरमुरे का चूरा ले लीजिए, अगर मुरमुरा भी नहीं है तो सिर्फ थोड़ा सा मैदा ले लीजिए, थोड़ा सा मैदा और तिल, ठीक है। अब हमने तीन काम कर लिए, एक मिक्सचर रेडी हो गया, ये देखिए मिक्सचर के बना लेते हैं जी गोले। वो जो तड़के में सौंफ डाली थी ना, उसने कमाल कर दिया भाई। हम लोग सौंफ को बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि बुजुर्गों ने चाट पता है क्यों बनाई थी, बुजुर्गों ने चाट बनाई थी कि हम जो हैं चूरन खा सकें, यानी कि चाट के मसाले वो हैं जो चूरन में जाते हैं, और इतना सारा चूरन हम खा नहीं सकते, तो उस चूरन को घी और ऐसे चाट में मिला के दे दिया गया और नाम रख दिया गया चाट। समझ में आया आपको, बनारस की चूरन विद्या जो है वो है चाट। बताइएगा सबको कि बनारस वालों ने चूरन खिलाने का पाचन के लिए बढ़िया एकदम सेट तरीका ढूंढा है, जिसे हम कह रहे हैं चाट। ये लो जी, ऐसे लड्डू बना लेने इसके, हैं लड्डू ही बनाने हैं और कोई शेप नहीं बनानी, वरना डिस्को नहीं होगा। इसकी मोनो बोली है डिस्को। आप चाहें तो तिल के साथ में थोड़ा सेव भी डाल सकते हैं, नायलॉन सेव होता है ना, थोड़ा सा चूरा करके डाल दीजिए। अब जैसे अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, अदरक है, ये सब क्या है, ये पाचन के लिए अच्छा है ना, बस हम उसे चाट कह देते हैं। थोड़ा नमक डाल रहा हूँ मैं, जो हमने ये क्रम्बिंग बनाई है ना, हर चीज़ को सीजन करना ज़रूरी होता है ना, तो ऊपर के क्रम को भी सीजन करना ज़रूरी है। बस अब क्या, ये देखिए ये गोले यहाँ रखिए, लिजाम बीच में रखिए,
और क्रम साइड में रखिए। उसके बाद डालिए इसकी जो मोनोपोली है ना, ये तिल है बस। जो जमीन आसमान का फर्क पड़ता है ना, वो तिल से पड़ता है। ब्यूटीफुल, देखिए क्या खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं बस डिस्को होने वाला है, डिस्को के लिए रेडी हो जाइए आप। अभी तक हमने उसका जवाब नहीं दिया ना कि इसको डिस्को चाट क्यों कहते हैं। अभी डिस्को की बारी आने वाली है। रेडी? अभी नहीं, पहले तलेंगे। बस ऐसे गोले थोड़े से गोल कर लीजिए और रेडी हो जाइए। गोले गोल और तेल गरम। ऐसा नहीं है कि तेल थोड़ा तेज होगा तो आपके पोटैटो बॉल जल जाएंगे, ठीक है। पोहा है, पोहे पे रंग नहीं आता जल्दी, पोहा जल्दी ब्राउन नहीं होता। अभी मेन चीज़ क्या है ना कि कुछ भी तेल में डालें तो एकदम से उसको ना चलाएं, पहले उसको शेप पकड़ने दें। अभी इसने शेप पकड़ ली, देखिए अब मैं चला सकता हूँ। पहले चलाता तो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कलर नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि पोहा है ना, तो इसलिए कलर की टेंशन ना लें। कलर अब हम दे देंगे इसको, कैसे? डिस्को करवा के। मेरे मन में ऑलरेडी डिस्को डिस्को हो रहा है। डन, बहुत ही बढ़िया बना है, ट्राई करें। भैया दुनिया भर की आलू टिक्की फेल, दुनिया भर का पोटैटो नगेट फेल और दुनिया भर की कटलेट फेल। इंपॉर्टेंट चीज़ बताई नहीं, ये गोले जो आपने बनाए थे ना, इसको आप बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डीप फ्राई करना है, बिकॉज रणवीर फिर डीप फ्राई बहुत करता है, फिर बोलते हैं आप सब लोग। लेकिन जो टेस्ट डीप फ्राई से आता है, तो डिस्को करवाने के लिए पहले आप ये ले लीजिए 3 या 4 जो भी आप पोर्शन बनाना चाहते हैं, उसके बाद मसाला, और उसके बाद ये करवाइए इसको डिस्को। सारा मसाला उसने सोख लिया, तो ये हो गए आपके डिस्को नगेट्स या डिस्को टिक्की। अब इसकी बनेगी डिस्को आलू चाट। प्लेटिंग तो बहुत सिंपल है साहब, नीचे दही, दही के ऊपर इमली चटनी, इसके ऊपर अपने डिस्को पोटैटो जो भी एकदम ताजे ताजे डिस्को करके निकले हैं, मिंट चटनी, मोनोपोली इसकी तिल है, अपना चाट मसाला थोड़ा और। और अब दो तरीके से इसको फिनिश कर सकते हैं, एक तो बम्बई स्टाइल की चाट जिसमें कि अनारदाना है, और दूसरा चीज़। ये हो गया जी सूरत स्टाइल या अहमदाबाद स्टाइल। तो जी ये हो गई डिस्को पोटैटो चाट विद चीज़, और ये हो गई डिस्को पोटैटो चाट विदाउट चीज़, मुंबई स्टाइल, गुजरात स्टाइल, ठीक है। और डिस्को पोटैटो चाट खा के अगर आपके तन मन धन ने डिस्को नहीं, धन क्यों डिस्को पर, तन मन ने डिस्को नहीं किया ना, तो आप जो है बता दीजिएगा, मुझे मैं मुंडवा लूँगा, गारंटी हमारी। सर्दियों में खाइए, गर्मियों में खाइए, बरसातों में खाइए, जब मर्जी खाइए, सैटिस्फैक्शन गारंटीड, सच में। बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया, मेरे को बड़ा मज़ा आया।